भक्ति भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टीवी के यूट्यूब चैनल को और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। एक विदल और उत्पल नाम के दो राक्षस थे असुर। दोनों ने उपद्रव मचाया। एक बार विदल उत्पल माता पार्वती जी के पास में गए और जगत जननी जगदम्बा जी के स्वरूप को देखकर उनकी ओर आसक्त हो माँ को क्रोध आता है। माता पार्वती ने गणेश जी के हाथ से कुंदुक लिया। कुंदुक जानते हो, गणेश जी के हाथ में एक शस्त्र होता है एस जैसा, वो कुंदुक कहलाता है। कुंदुक को लिया और माता पार्वती ने उस कुंदुक को फेंक कर विदल और उत्पल दोनों का संहार करा। भगवान के चरणों में जाकर वो कुंदुक गिरा। गिरते ही भगवान शंकर के चरणारविंद में कुंदुक से चोट पहुंची, जिससे उनके चरणारविंद से कुछ रक्त की बूंद निकली है। महाराज शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हो गया है। महाराज क्या नाम पड़ गया? कुंदकेश्वर। रक्तांबर में शंकर को देखकर माँ के नयन सृजल हो गए। माँ के नयनों में जल आ गए। इसलिए माता पार्वती ने भगवान शंकर से वर मांगा। भोलेनाथ, आज के बाद आपके शरीर पर रक्तांबर ना दे, रक्त ना दे। महाराज चंदन चढ़ेगा, अष्टगन चढ़ेगा, हल्दी चढ़ेगा। अच्छा, कई लोग कहते हैं महाराज जी किसी किसी शास्त्र में हमने जैसे एक लाइन इसमें ही पढ़ लिया, लिंगाष्टक इसमें भी। शिव के शरीर पर मां कह रही है रक्तांबर ना दे। तो यहां कुमार खंड कर आया शिव महापुराण का कुमार खंड और कुमार खंड का 22वां अध्याय शिव महापुराण में वर्णन कर रहा कि पार्वती ने शंकर जी से यह मांगा कि मैं रक्तांबर ना देखते। ठीक है, तो शंकर जी पर अष्टगन चढ़ता है, चंदन चढ़ता है, अभीर चढ़ता है, गुलाल चढ़ता है, पर शिव पर रोली कुंकू नहीं चढ़ता। पर लिंगाष्टक के अंतर्गत कुमकुम चंदन लेपित लिंगम, यह स्पष्ट किया कि कुंकू चंदन। तो महाराज जी फिर ये चरित्र का वर्णन, कुंकू तो यहां लिखा है कंकू चढ़े, तो बहुत ध्यान देना महाराज। शंकर भगवान के शिवलिंग पर आपको फिर निवेदन करूं, भगवान शंकर का ये शिवलिंग है। ठीक है, ध्यान देना, ये माता पार्वती का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी, राइट लेफ्ट भगवान के पुत्र, ऊपर पांच कन्या। पूरे शिवलिंग पर आप सब कुछ समर्पित करो, पर कुंकू जब भी शंकर को चढ़ाओगे तो जो पार्वती का स्थान है वहीं पर आप चढ़ाएं पार्वती का स्थान, क्योंकि माता जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती ने शंकर से जो मांगा है आपके शरीर पर रक्तांबर ना दे। ठीक है, आपके शरीर पर रक्तांबर ना दे महाराज, क्योंकि कोई भी पत्नी अपने पति को कभी रक्त में सना हुआ नहीं देखना चाहती।